आज हम बात करेंगे कि बीपीएससी प्रीलिम्स में साइंस से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम अंजू कुमारी, अ करियर साइकोलॉजिस्ट ऑफ योजना आईएएस। आज हम बात करेंगे कि बीपीएससी प्रीलिम्स में साइंस से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया है, लेकिन ये उसका सेकेंड पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एलिमेंट इज 18 एंड 20 रेस्पेक्टिवली, इट्स मास नंबर इन। ऑप्शन है 22, 2, 38 एंड 20। अब आपको यहाँ ये जानने की जरूरत है कि मास नंबर इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला। मास नंबर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन दिया हुआ, यहां प्रोटॉन तो दिया हुआ नहीं है, तो प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन होता है, तो आप प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर में बताती हूँ, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ तो आप प्रोटॉन की जगह इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं और न्यूट्रॉन, तो इसका पूरा मास नंबर कितना हो गया 18 प्लस 20 इज इक्वल टू 38। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। इसमें मैं आपको यह भी बता देना चाहती हूं कि एक आइसोटोप में आपका एटॉमिक नंबर सेम होता है एंड मास नंबर डिफरेंट होता है। एंड एक आइसोटोप एक होता है आइसोबार में आपका मास नंबर सेम होता है एंड एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लाफिंग गैस। ऑप्शन है नाइट्रिक ऑक्साइड, बी है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। इसका सही आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस का उनको नाइट्रस ऑक्साइड भी हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन इज अब्सेंट इन। ऑप्शन है केरोसिन, ग्लास, शॉयल एंड सीमेंट। इसका सही आंसर होगा केरोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ऑप्शन है C6H22O11, ऑप्शन बी है C6H10O5, ऑप्शन सी है C6H12O6 एंड ऑप्शन डी है C6H6O6। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, C6H12O6। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12NO6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक द ऑरिजिन ऑफ स्पेसिस वॉज रिटन बाय। ठीक है, ऑप्शन है लिनानियस, लेमार्क, डार्विन, मेंडल। इसका सही आंसर होगा डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू एटीपी इन। ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम एंड पेरोक्सीसोम। इसका सही आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ बोन्स इज डन अंडर द ब्रांच ऑफ साइंस कॉल्ड। ऑप्शन है जियोलॉजी, सेरोलॉजी, ओरोलॉजी एंड ऑस्टियोलॉजी। इसका सही आंसर होगा ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, जियोलॉजी हम बोलते हैं स्टडी ऑफ द अर्थ को हम जियोलॉजी बोलते हैं, सीरोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ द ब्लड सीरम एंड ओरोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ द माउंटेंस। स्पेशली इसमें हम स्टडी करते हैं फॉर्मेशन ऑफ द माउंटेंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर द लिम्फोसाइट्स फॉर्म्ड? ऑप्शन है लीवर, बोन मैरो, स्प्लीन एंड पैनक्रियाज। इसका सही आंसर होगा बोन मैरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय? इसका ऑप्शन है मेड्यूला, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड सेरिबेलम। ठीक है, इसका सही आंसर होगा हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ? इसका ऑप्शन है आइसोप्रीन, स्टीरिल, विनाइल एक्सीटेट एंड प्रोपेन। इसका सही आंसर होगा आइसोप्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंट्रैक्शन बिटवीन एल्गी एंड फंगी टू फॉर्म लाइकेन इज कॉल्ड? पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म, कन्वर्जन, कॉमेंसलिज्म। इसका सही आंसर होगा म्यूचुअलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम मीटर इज यूनिट ऑफ? ऑप्शन है रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी एंड चार्ज। तो ओम मीटर इसका सही आंसर होगा रेजिस्टिविटी, ऑप्शन सी। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम एंड कंडक्टेंस का यूनिट होता है महो एंड चार्ज का यूनिट होता है कूलॉम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ साउंड वेव गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर द क्वांटिटी दैट रिमेन्स अनचार्ज्ड इज? ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ एंड स्पीड। इसका सही आंसर होगा फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ? ऑप्शन है टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, फोर्स। इसका सही आंसर होगा डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग विच इन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी? ऑप्शन है फोर्सेस, वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक करंट एंड वर्क। इसका सही आंसर होगा इलेक्ट्रिक करंट। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं? जो दूसरे क्वांटिटी पे निर्भर नहीं रहते हैं, विच डू नॉट डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इज? रेडियो वेव, साउंड वेव, एक्सरे, गामा रे। इसका सही आंसर होगा साउंड वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट इज पॉसिबल बाय? ऑप्शन है प्रिज्म, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस एंड सिंपल मिरर। तो इसका सही आंसर होगा प्रिज्म। ठीक है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट मतलब कि व्हाइट लाइट को 7 डिफरेंट कलर में हम वहाँ से देख सकते हैं। 7 डिफरेंट कलर कौन सा होता है? विव, व्योर, इसका वी फोर वायलेट कलर, आई फोर इंडिगो, बी फोर ब्लू एंड जी फोर ग्रीन कलर, Y for yellow and O for orange and R for red। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच टेम्परेचर द सेल्सियस एंड फॉरेनहाइट स्केल्स कॉन्सिडर्ड? ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस एंड 40, -40 डिग्री सेल्सियस एंड 40 डिग्री सेल्सियस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, -40 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर ऑफ लेंस इज मेजर्ड इन? ऑप्शन है वॉट, एम्पियर, वोल्ट एंड डायोप्टर। तो इसका सही आंसर होगा डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन इज अब्सेंट इन? ऑप्शन है ग्लास, सॉयल, सीमेंट एंड केरोसिन। इसका सही आंसर होगा केरोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केमिकल यूज्ड फॉर डिस्ट्रॉइंग फंगी इन वाटर टैंक इज? ऑप्शन है नाइट्रिक एसिड, जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट। इसका सही आंसर होगा कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केमिकल फॉर्मूला फॉर हैवी वाटर बाय? H2O, N2O, DTO, D2O एंड CEO, CuO। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, DTO,
D2O, ठीक है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर कंपोनेंट ऑफ सीएनजी इज, सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका सही आंसर ऑप्शन है CO2, N2, H2 and CH4। इसका सही आंसर होगा CH4, मतलब मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सफायर इज Al2O3, Al3O2, N2O एंड NO2। इसका सही आंसर होगा Al2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल इज एक्सप्रेस्ड बाय, ऑप्शन है सीटेन नंबर, ऑक्टेन नंबर, ब्यूटेन नंबर एंड रेनॉल्ड्स नंबर। इसका सही आंसर होगा ऑक्टेन नंबर। सीटेन नंबर से मेजर करते हैं डीजल ऑयल, तो क्वालिटी ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन है बोरोन, आयरन, सिलिकन एंड एल्यूमिनियम। तो इसका सही आंसर होगा बोरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्टिकल इज फ्री ऑफ चार्ज, ऑप्शन है अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। इसका सही आंसर होगा न्यूट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल, ऑप्शन है कैल्शियम, कार्बन, मैग्नीशियम एंड हाइड्रोजन। इसका सही आंसर होगा कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर इन प्लांट्स इज ट्रांसपोर्टेड बाय, ऑप्शन है जाइलम, एपिडर्मिस, फ्लोएम एंड कैम्बियम। इसका सही आंसर होगा जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोर्स ऑफ द एंजाइम लाइपेस इज, ऑप्शन है किडनी, पैंक्रियाज, लीवर एंड हार्ट। इसका सही आंसर होगा पैंक्रियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCG वैक्सीन इज यूज फॉर द प्रिवेंशन ऑफ, ऑप्शन है स्मॉल पॉक्स, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस एंड प्लेग। इसका सही आंसर होगा टीबी, मतलब ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग हेल्प्स सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ऑप्शन है लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स। इसका सही आंसर होगा लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीबायोटिक मेडिसिन इज एस्पिरिन, पैरासीटामोल, क्लोरोक्विन एंड पेनिसिलिन। तो इसका सही आंसर होगा पेनिसिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू डायग्नोज द मेडिकल कंडीशंस MRI टेक्निक्स इज यूज्ड, विच इज नॉट, ध्यान से पढ़िए, विच इज नॉट यूज्ड इन MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसका ऑप्शन है मैग्नेटिक फील्ड, एक्सरे, रेडियो वेव एंड गामा रे। तो इसका सही आंसर होगा एक्सरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रेफाइट एंड डायमंड इज ट्रू, ठीक है, ग्रेफाइट एंड डायमंड इज ट्रू। ऑप्शन है दे हैव द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, दोनों ग्रेफाइट एंड डायमंड का सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। सेकेंड है ऑप्शन दे हैव द सेम हार्डनेस, दोनों के सेम हार्डनेस होता है। थर्ड है दे हैव द सेम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड फोर्थ ऑप्शन है दे कैन अंडरगो द सेम केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसका सही आंसर होगा डी, दे कैन अंडरगो द सेम केमिकल रिएक्शन, ग्रेफाइट एंड डायमंड। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के मामले में अगर हम बात करें तो डायमंड जो होता है पुअर, डायमंड होता है वो पुअर कंडक्टर होता है,
पुअर कंडक्टिविटी होता है, और ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है, ठीक है। और हार्डनेस का बात करें तो डायमंड ज़्यादा हार्ड होता है और ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है। और क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो डायमंड का स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रॉन, एंड ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है लेयर वाइज स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG। ऑप्शन है मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। इसका सही आंसर होगा ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर पासिस फ्रॉम द सॉइल इनटू द रूट्स बाय अ फिजिकल प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन, ट्रांसपीरेशन, एब्जॉर्प्शन, ऑस्मोसिस। इसका सही आंसर होगा ऑस्मोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन यूजुअली बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ, ऑप्शन है बैक्टीरिया, वायरसेस, न्यूक्लियर प्रोटीन्स एंड रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ग्रो इन सॉइल डिफिशियंट इन वाटर, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन एंड कैल्शियम। इंसेक्टिवोरस प्लांट जो कि इंसेक्ट को खाता है, ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा नाइट्रोजन, ठीक है। इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जांपल आप ले सकते हैं पीचर प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रांसफ्यूजन ब्लड मस्ट बी कंपैटिबल नॉट ओनली इन ब्लड टाइप बट आल्सो इन RH factor, the number of white cells, the number of red cells and race of donor and recipient. इसका सही आंसर होगा RH factor. Next question है, pituitary gland is located in intestine, liver, kidney and brain. Pituitary gland is located in brain. Next question है, the universal accepted blood group इज ए बी, ए बी एंड ओ। तो इसका सही आंसर होगा ए बी। ए बी है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, एंड ओ ब्लड ग्रुप है यूनिवर्सल डोनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमोनिया इज एन इन्फेक्शन ऑफ, ऑप्शन है नर्व, ब्लड, स्किन, लंग्स। इसका सही आंसर होगा लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर फाइंड्स हिज इमेज लार्जर देन हिमसेल्फ, दिस इंप्लाइज दैट द मिरर इज, ठीक है। ऑप्शन है कनकेव, प्लेन, कन्वेक्स एंड सिलिंड्रिकल विथ बल्जिंग साइड टुवर्ड्स। इसका सही आंसर होगा कनकेव। अगर रियल इमेज से छोटा स्मॉलर साइज दिखाए तो वहां होगा कन्वेक्स मिरर स्मॉलर साइज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इन क्लियर स्काई ड्यूरिंग नाइट टाइम कैन बी एक्सप्लेन विथ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट एंड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इसका सही आंसर होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ऑप्शन है कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन, अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन, कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन एंड अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डोर्स ऑफ अ रेफ्रिजरेटर आर लेफ्ट ओपन फॉर फ्यू आवर्स देन द रूम टेम्परेचर विल डिक्रीज, इंक्रीज, रिमेन द सेम, डिक्रीज ओनली इन द एरिया इन द। इसका सही आंसर होगा इंक्रीज, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पीस ऑफ आइस इज फ्लोटिंग इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर अप टू इट्स ब्रिम व्हेन होल ऑफ द आइस मेल्ट्स. ऑप्शन है द वाटर विल स्पिल ऑन द फ्लड. ऑप्शन बी है द लेवल ऑफ वाटर विल कम डाउन इन द बीकर. एंड ऑप्शन सी है द लेवल ऑफ वाटर विल फर्स्ट फेल एंड देन इट विल स्पिल आउट ऑफ द बीकर. एंड डी ऑप्शन है द वाटर लेवल विल नॉट चेंज. ऑप्शन फिर से आप पढ़िए, अ पीस ऑफ आइस ठीक है इज फ्लोटिंग इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर अप टू इट्स ब्रिम व्हेन होल ऑफ द आइस मेल्ट्स. तो ऑप्शन होगा डी सही, द वाटर लेवल विल नॉट चेंज. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड. ऑप्शन ए वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस, आमीटर इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियोमीटर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड गैल्वेनोमीटर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस. यहाँ आपसे पूछा गया है नॉट करेक्टली मैच्ड, सही नहीं पूछा गया है, जो गलत है. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गैल्वेनोमीटर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के लिए नहीं है, गैल्वेनोमीटर इलेक्ट्रिक करंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ सॉप फिल्म ऑन द वाटर इज सीन इन द डे टाइम इट शोज ब्यूटीफुल कलर्स. दिस फेनोमेनन इज ड्यू टू ऑप्शन ए है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ऑप्शन बी है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ऑप्शन सी है पोलराइजेशन ऑफ लाइट एंड ऑप्शन डी है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मास नंबर ऑफ अ न्यूक्लियस इज. ऑप्शन है ए है द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. ऑप्शन बी है द टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. ऑप्शन सी है ऑलवेज मोर देन द एटॉमिक वेट. ऑप्शन डी है ऑलवेज लेस देन इट्स एटॉमिक नंबर. क्या पूछा गया है, द मास नंबर ऑफ अ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मास नंबर, द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. मैंने आपको अभी बताया मास नंबर इज इक्वल टू न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट डिफर इन. ऑप्शन ए द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ऑप्शन बी है द मास नंबर, ऑप्शन सी है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑप्शन डी है द एटॉमिक नंबर. आइसोटोप्स अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था, आइसोटोप में सेम एटॉमिक नंबर होता है एंड मास नंबर डिफरेंट होता है. तो इसका सही आंसर होगा एलिमेंट डिफर इन. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी द मास नंबर. आइसोटोप्स का है ये. एंड आइसोबार्स में क्या होता है, आइसोबार्स में ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है ठीक है. आइसोबार्स का आपको आइसोटोप में याद रहेगा, आइसोटोप का आइसोबार्स में. तो आप यहाँ देख लीजिए आइसोटोप में सेम एटॉमिक नंबर, आइसोटोप में सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. एंड आइसोबार्स में क्या है, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेम्परेचर पॉइंट एट विच सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस स्टेट में स्टेट टुगेदर इज नोन एज. ऑप्शन है बॉइलिंग पॉइंट, ऑप्शन बी है मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन सी है फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑप्शन डी है ट्रिपल पॉइंट. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ट्रिपल पॉइंट.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज, ऑप्शन ए है बॉक्साइट, ऑप्शन बी है कैलामाइट, ऑप्शन सी है सैलसाइट एंड ऑप्शन डी है गैलेना। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज पीएच वैल्यू मोर देन 7, मोर देन। ठीक है, ऑप्शन है बफर सॉल्यूशन, ऑप्शन बी है बेसिक सॉल्यूशन, ऑप्शन डी है एसिडिक सॉल्यूशन एंड ऑप्शन डी है न्यूट्रल सॉल्यूशन। इसका सही आंसर होगा मोर देन 7 है तो बेसिक सॉल्यूशन, एंड लेस देन 7 रहता तो, लेस देन 7 रहता तो इसके लिए एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, द वर्क, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज, ऑप्शन है रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑप्शन बी है डिफ्यूजन, ऑप्शन सी है सेंट्रीफ्यूगेशन एंड ऑप्शन डी है डायलिसिस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सेंट्रीफ्यूगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम व्हाइल पासिंग थ्रू, ऑप्शन ए है वाटर, ऑप्शन बी है वैक्यूम, ऑप्शन सी है एयर एंड ऑप्शन डी है ग्लास। क्या पूछा गया, द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम, मिनिमम किस में रहता है, ग्लास में। ऑप्शन डी आपका सही होगा, इसमें स्पीड ऑफ लाइट कितना रहता है, 2×10^8 मीटर पर सेकेंड, एंड मैक्सिमम रहता है वैक्यूम में। ठीक है, इसमें रहता है 3×10^8 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ, नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी मतलब कि स्केलर क्वांटिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, ऑप्शन है स्पीड, ऑप्शन बी है वेलोसिटी, ऑप्शन सी है टॉर्क एंड ऑप्शन डी है डिस्प्लेसमेंट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्पीड। वेक्टर क्वांटिटी में आपका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक है, और स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड तो होता है बट नो डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द स्पिनिंग स्पीड ऑफ द अर्थ इंक्रीजेज देन द वेट ऑफ द बॉडी एट द इक्वेटर विल, ऑप्शन है इंक्रीजेज, डिक्रीज, रिमेन सेम एंड बी डबल। क्वेश्चन क्या पूछ रहे, द इफ द स्पिनिंग स्पीड ऑफ अर्थ इज इंक्रीजेज, जब अर्थ का स्पीड इंक्रीज होगा देन द वेट ऑफ द बॉडी एट द इक्वेटर विल डिक्रीज, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लॉ इन विच अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेनिंग इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन है कोरियोलिस इफेक्ट, ऑप्शन बी है ग्राहम्स लॉ, ऑप्शन सी है पास्कल्स लॉ एंड ऑप्शन डी है अवोगाड्रोज लॉ। ठीक है, इसका क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द लॉ इन विच अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी एवोगाड्रोज लॉ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज प्रेजेंटेड बाय विच साइंटिस्ट, ऑप्शन ए है अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन डी आइजैक न्यूटन, ऑप्शन डी स्टीफन हॉकिंस एंड ऑप्शन डी है मैरी क्यूरी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अल्बर्ट आइंस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज इन मैग्नीफाइंग ग्लास, ऑप्शन है प्लेनो कनकेव लेंस, ऑप्शन बी है कन्वेक्स लेंस, ऑप्शन सी है
कन्वेक्स मिरर एंड ऑप्शन डी है कनकेव लेंस। इसका सही आंसर होगा कन्वेक्स लेंस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, एंड ऑप्शन सी है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एंड ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉन ओनली। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग आर कंस्टिट्यूट्स ऑफ ब्रास। ब्रास में ऑप्शन ए है जिंक एंड कॉपर, ऑप्शन बी है आयरन एंड जिंक, ऑप्शन सी है कॉपर एंड निकल, एंड ऑप्शन डी है आयरन एंड कॉपर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जिंक एंड कॉपर। ब्रास में जिंक एंड कॉपर, जिंक होता है 30% एंड कॉपर होता है 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज क्विक लाइम। ऑप्शन है सी ए ओ, ऑप्शन बी है सी ए सी ओ टू, ऑप्शन सी है सी ए ओ एच टू, एंड ऑप्शन डी है सी ए सी एल टू। इसका सही आंसर होगा सी ए ओ, क्विक लाइम का को हम सी ए ओ के नाम से भी जानते हैं। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और भी होगा शायद क्वेश्चन इसका, अच्छा और भी है इसका क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू द वेट ऑफ आयरन व्हेन इट रस्ट। ठीक है, ऑप्शन ए है इंक्रीज फॉर लॉन्ग टाइम, ऑप्शन बी है डिक्रीज द देन इंक्रीज, ऑप्शन सी है इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, ऑप्शन डी है रिमेन सेम। इसका सही आंसर होगा व्हाट हैपेंस टू द वेट ऑफ आयरन व्हेन इट रस्ट, इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज व्हाइट मेटल। ऑप्शन ए है निकल, ऑप्शन बी है रोडियम, ऑप्शन सी है प्लैटिनम, एंड ऑप्शन डी है पैलेडियम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्लैटिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑप्शन ए है एडिशन ऑफ सॉल्ट टू प्योर वाटर इंक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड डिक्रीजेज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ सॉल्ट टू प्योर वाटर इंक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड डिक्रीजेज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। सेकेंड स्टेटमेंट है, वेन मिथाइल एल्कोहल इज एडेड टू वाटर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट में से हमें कौन सा सही है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, एडिशन ऑफ सॉल्ट टू प्योर वाटर इंक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड डिक्रीजेज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। सेकेंड स्टेटमेंट है, वेन मिथाइल एल्कोहल इज एडेड टू वाटर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन वन एंड टू, दोनों सही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं, बोथ वन एंड टू बोथ ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द साल्ट लविंग प्लांट्स कॉल्ड। ऑप्शन ए है जीरोफाइट्स, ऑप्शन बी है मेसोफाइट्स, ऑप्शन सी है ग्लाइकोफाइट्स, एंड ऑप्शन डी है हैलोफाइट्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी हैलोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अल्टीमेट सब्सटेंस टू विच द कार्बोहाइड्रेट्स आर डिग्रेडेड इन इज। ऑप्शन ए है अमीनो एसिड, ऑप्शन बी है ग्लिसरॉल, ऑप्शन सी है ग्लूकोज, एंड ऑप्शन डी है माल्टोज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर। ऑप्शन ए है प्रोटीन्स, ऑप्शन बी है लिपिड्स, ऑप्शन सी है एसिड्स, एंड ऑप्शन डी है अल्कलीज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन दैट आर नॉट एज हार्ड एज बोन्स एंड विच कैन बी बेंट आर कॉल्ड एज। ऑप्शन ए है वर्टिब्रे,
ऑप्शन बी है कार्पल्स, ऑप्शन सी है कार्टिलेज एंड ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव। पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते हैं। द पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन दैट आर नॉट एज हार्ड एज बोन्स, ठीक है, एंड विच कैन बी वेंट आर कॉल्ड एज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कार्टिलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल टाइप एसोसिएटेड विद द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी इज। ऑप्शन ए है आरबीसी, ऑप्शन बी है प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी है लिम्फोसाइट्स एंड ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रिलनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय। ऑप्शन ए है वेलोसिटी ऑफ साउंड, ऑप्शन बी है एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड, ऑप्शन सी है वेवलेंथ ऑफ साउंड एंड ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव। क्वेश्चन में क्या है, स्ट्रिलनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय वेवलेंथ ऑफ साउंड, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉल बियरिंग आर यूज टू कन्वर्ट स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू। ऑप्शन ए है रोलिंग फ्रिक्शन, ऑप्शन बी है ड्रैग, ऑप्शन सी है स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव। बॉल बियरिंग्स आर यूज टू कन्वर्ट स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में प्रीलिम्स में आपसे पूछा जाता है साइंस से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइंस, हिस्ट्री, बिहारी स्पेशल एंड करेंट अफेयर से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बाकी आप पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी ये भी आप पढ़ लीजिए अच्छे से। अब ज़्यादा दिन नहीं है एग्ज़ाम का, 30 सितंबर को है ना एग्ज़ाम। इतने दिन अभी के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, आपका सिलेक्शन हो सकता है।